अनुपमा में अनुपमा एक बार फिर से उड़ाएगी काव्या के होश। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि सभी घर वाले यहाँ पर शाह परिवार वाले सब डिनर कर रहे होते हैं और बापूजी यहाँ पर ढंग से खाना नहीं खा रहे होते, ना ही कुछ बोल रहे होते हैं। काव्या के यहाँ पर सबको खाना बनाकर खिला रही होती है और कहती है कि वो चली गई, इसका मतलब ये थोड़ी मनुष्यत भी हमारे यहाँ पर फैला गई है। राज कहता है कि अब उसके बिना ही हमें ये सब कुछ जीना सीखना पड़ेगा और दिवाली आ रही है, ये मूड लटका के मत बैठो। और काव्या की चिल्लाने की वजह से बापूजी कि यहाँ पर बाकी और सब मामा जी नंदिनी सभी लोग बिना खाना ही खाए चले जाते हैं और यहाँ पर काव्या को डांटता है तोशु की पहले ही सबका मूड खराब है, दो चार दिन तो दो नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहीं पर बात गुस्सा होती है और कहती है ये सब कुछ अनुपमा की वजह से हो रहा है। वहीं अनुपमा को तो परिवार वालों की टेंशन हो रही होती है कि बापू जी ने खाना खाया नहीं खाया, वो सब कुछ बहुत बड़ी टेंशन हो रही होती है। तो लेकिन उसकी माँ आती है और उसके साथ में वो थोड़ी से पल उसके साथ गुजारते नजर आती है और कहती है कि 26 साल बाद में मेहंदी की रात के बाद में आज पहली बार में तुम्हारे यहाँ पर रात गुजार रही हूँ। और उसके बाद उनके बारे में टेंशन ले रही थी लेकिन वो कहती कि बेटा तू आ गई है, तेरा मन भी यहाँ पर आ ही जाएगा। और पहले के दिनों को याद करके काफी खुश हो रहे होते हैं। तो वहीं देखने को मिलता है कि अनुपमा सुबह सुबह ही लेट उठती है तो दूसरी तरफ बापू जी अपनी चाय खुद ही बनाते हैं और वो कहती है कि लो वो एक लड़के पर आए लड़के के लिए मुझे छोड़कर चली गई, अपने परिवार को छोड़कर चली गई। और बापू जी कहते हैं कि उसे पहले मिलना चाहिए था अनुज, उसे वैसा ही लड़का डिजर्व करता है वरना जैसा नहीं। और यहाँ पर से चले जाते हैं और काव्या वहां को भड़काते नजर आती है और कहती है मुझे लगता है कि अनुज और अनुपमा मिलकर हमसे बदला जरूर लेंगे और इस घर पर बुलडोजर चला देंगे और इसलिए हमसे जल्दी से जल्दी ये घर हमारे नाम करवा लेना चाहिए। वहीं समर अनुपमा के लिए घर देखने के लिए बहुत सारे कॉन्टैक्ट निकाल चुका है और वो उन्हें जल्दी से जल्दी देखने के लिए कहता है। तो लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम उनके घर के सामने से नहीं जाओगी, परिवार के साथ परिवार के घर के सामने नहीं। अनुपमा उससे नाराज होती है। अनुपमा कहती है कि मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, अब वो सामने आमने सामने तो आते रहेंगे और उसे मनाते नजर आती कि कौन से रास्ते से जाना है कौन से रास्ते से नहीं, और वो अकेडमी जाने के लिए भी मना कर देती है। लेकिन अनुपमा अपनी माँ को मनाती है और मोहल्ले से निकलती है तो मोहल्ले की औरतें भी उनकी देखकर कोई तो कुछ खो रही होती है, कोई उसकी बातें बना रही होती है। अनुपमा घर देखने पहुंचती है जहाँ पर लॉयल से उस मालकिन से भी लड़ाई हो जाती है सिंगल को लेकर और उससे बहुत गुस्सा आता है और वो ऑफिस पहुंचती है जहां पर शायद अनुज को लगता है कि वो ऑफिस नहीं आई लेकिन अनुपमा कैबिन में बैठी होती है और वो गुस्से में स्टाम्प लगा रही होती है पेपर्स पर और अनुज को समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही गुस्से में है और वो बताती है कि सिंगल कहकर मुझे इस तरह से बदनाम किया गया, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, हाँ थप्पड़ जरूर मारा है। और उसे काव्या की बात याद आती है और अनुज कहता है इसके बारे में हम बाद में बात करें लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, और अनुज ही उसे घर दिलवाने वाला है। तो दूसरी तरफ बा और यहाँ पर अनुपमा को लेकर वहां पर पहुंचेगी आने वाले एपिसोड में और अब काव्या से और दोनों ही मिलकर पेपर्स पर साइन करवाएंगी। लेकिन अनुपमा अपने नए घर की शुरुआत कर चुकी है और उसे नया घर मिल जाएगा जिसे देखकर काव्या और बाघ के होश उड़ जाते हैं। हम देखने हैं कि दिवाली पर कौन सा ब्लास्ट अनुपमा करती है इन घर वालों पर।